कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। बीपीसीएल बेच डाला। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने देश की दूसरी सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल को बेचने की मंजूरी दे दी है। 20 नवंबर 2019 को हुई बैठक में बीपीसीएल के अलावा चार और कंपनियों को बेचने की मंजूरी कैबिनेट कमेटी ने दी है। ये कंपनियां हैं शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, नॉर्थ ईस्ट इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इसके अलावा कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। मैं देश नहीं बिकने दूंगा। एलआईसी बेच डाली। सरकार एलआईसी यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में अपनी हिस्सेदारी बेचेगी। एलआईसी में सरकार की 100% हिस्सेदारी है। सरकार अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचकर पैसा जुटाना चाहता। मैं देश नहीं बिकने दूंगा। एयर इंडिया बेच डाला। एयर इंडिया बिकने के लिए फिर से बाजार में आ गया है और इस बार जो शर्तें हैं वो काफी अट्रैक्टिव हैं। लेकिन बहस ये चली है कि क्या फैमिली सिल्वर को बेचा जाना चाहिए। मैं देश नहीं बिकने दूंगा। रेलवे भी बेच डालने की योजना कर रहे हैं। सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेची जा रही है। अरबों खरबों का बजट होने के बाद भी सरकार को अपनी कंपनियां क्यों बेचनी पड़ रही।